हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी की स्मार्ट वॉच और ओप्पो की स्मार्ट वॉच के बीच में। सो कंपैरिजन काफ़ी तकड़ा होने वाला है और आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में से कौन सी स्मार्ट वॉच सबसे बेस्ट है। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको जो फीचर्स आज बताने वाला हूँ दोनों स्मार्ट वॉचेज के, वो काफ़ी फाड़ू होने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोनों स्मार्ट वॉचेस के डिजाइन से। अगर बात की जाए ओप्पो स्मार्ट वॉच के डिजाइन की, तो ये वॉच आएगी स्क्वायर शेप में और इसमें हमें 2 बटन्स देखने को मिलेंगे और जो इसका वेट होगा वो 40 ग्राम्स का हमें मिलने वाला है। अगर बात की जाए रियलमी स्मार्ट वॉच के डिजाइन की, तो ये वॉच भी स्क्वायर शेप में आएगी, इसमें भी हमें 2 बटन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो वेट होगा वो 42 ग्राम्स का हमें मिलने वाला है। तो चलिए आगे बात करते हैं डिस्प्ले की। अगर बात की जाए ओप्पो स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले की, तो इसमें हमें 1.6 इंचेस की 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। वहीं हमारी रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें 1.4 इंचेस की लार्ज कलर टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि आएगी कस्टम वॉच फेसेस के साथ, जिसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉच में स्पोर्ट्स मोड की बात की जाए, तो रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, वहीं हमारी ओप्पो स्मार्ट वॉच में हमें 5 स्पोर्ट मोड देखने को मिलते हैं। अगर दोनों ही स्मार्ट वॉच के सेंसर्स की बात की जाए, तो दोनों ही स्मार्ट वॉच में हमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर के साथ ब्लड ऑक्सीजन सेंसर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ओप्पो स्मार्ट वॉच में हमें वॉइस असिस्टेंस का सपोर्ट मिलेगा, वहीं रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें ये सपोर्ट नहीं मिलने वाला। दोस्तों ओप्पो स्मार्ट वॉच एक गेमिंग और कॉलिंग स्मार्ट वॉच होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें eSIM का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है और इसमें हमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 2500 का प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा। वहीं इसमें हमें सॉफ्टवेयर जो मिलेगी वो ओप्पो की कलर OS वॉच सॉफ्टवेयर मिलने वाली है, जो कि बेस होगी एंड्रॉयड 6 पर। वहीं रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें ऐसा कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा, बस इसमें गूगल की वियर OS सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलने वाली है। अगर दोनों स्मार्ट वॉचेस की बैटरी की बात की जाए, तो यहाँ पर हमें ओप्पो स्मार्ट वॉच में 300mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि वॉक चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगी। अगर बात की जाए रियलमी स्मार्ट वॉच की बैटरी की, तो इसमें हमें 160mAh की बैटरी मिलेगी, जिसका जो बैटरी बैकअप होगा वो 7 डेज का हमें मिलने वाला है। दोस्तों दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में हमें देखने को मिलेगा स्मार्ट नोटिफिकेशन अलर्ट का ऑप्शन, लेकिन रियलमी स्मार्ट वॉच में हमें कैमरा कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात की जाए वाटर रेजिस्टेंस की, तो दोनों ही वॉच वाटर रेजिस्टेंस होने वाली है, लेकिन जो ओप्पो स्मार्ट वॉच है वो कुछ ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि हम इस वॉच को 30 मीटर तक पानी के अंदर ले जा सकते हैं। सो दोस्तों फीचर्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के प्राइस की। अगर दोस्तों रियलमी स्मार्ट वॉच के प्राइस की बात की जाए, तो ये लगभग 4000 रुपये के आसपास हमें मिल जाएगी। वहीं दोस्तों ओप्पो स्मार्ट वॉच का प्राइस थोड़ा हाई है, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके प्राइस की बात की जाए, तो जो इसका प्राइस है वो है $259 के आसपास। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका जो प्राइस होगा वो 18,130 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में बैठ जाएगा। तो यार ये थे दोनों ही स्मार्ट वॉच के फीचर्स, और जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया और कंपैरिजन करके दिखा भी दिया। अब आपकी चॉइस है कि आप इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच चुनना चाहते हो। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।